स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं। फाइनली कायरव अपने परिवार से मिलने वाला है। वहीं बिरला हाउस में भी सबको पता चल गया है कि अक्षरा वापस लौट आई है। ऐसे में मंजरी सबको बताती है और कहती है कि उसे कुछ वक्त का टाइम चाहिए। अब जब हमने एक साल इंतजार किया है तो हम थोड़ा इंतजार और कर सकते हैं। और ऐसे में महिमा कहती है कि चलो ठीक है, उसे वक्त चाहिए, हम उसे वक्त देते हैं, लेकिन इसके बाद जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी। अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी और इसमें मुझे चाहिए अभिमन्यु का साथ। वेल, जहाँ एक और ये सब हो रहा है तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि पहले ही मेमी को ये एहसास हो चुका था कि उनके बच्चे उनके आसपास हैं और तभी वहाँ पर आएगा कायरव। कायरव को देखने के बाद सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए नजर आने वाले हैं। सभी भागकर कायरव को गले लगा लेंगे, जिसके बाद वो अक्षु के बारे में पूछेंगे कि अक्षु कहाँ है, और तब कायरव कहेगा कि वो उन सबके सवालों के जवाब खुद ही देगी। वो ठीक है, वो भी सिर्फ इतना ही बता सकता है। वेल, यहाँ पर अक्षु जाएगी अपने होटल वापस, लेकिन ऐसे में बीच में कुछ लड़के उसे परेशान करते हुए नजर आएंगे और हमेशा की तरह अभिमन्यु वहाँ आ जाएगा और उसे बचाते हुए नजर आएगा। वेल, तभी डॉक्टर कुणाल का फोन आएगा अक्षु के पास और अक्षु जो अभी को सब कुछ बताने वाली थी वहाँ से चली जाएगी। वेल, डॉक्टर कुणाल उसके रूम में आएगा और उसे सवाल जवाब करेगा, लेकिन अक्षु उसे कुछ भी नहीं बताने वाली है। शो का आने वाला ट्रैक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अक्षरा ये ठान चुकी है कि उसे किसी भी हाल में अब अपने भैया को बेकसूर साबित करना ही होगा, क्योंकि उसे अभी के पास वापस जाना है। देखना ये मज़ेदार होगा कि अब क्या करेगी अक्षरा, क्या वो अपने भाई को बेगुनाह साबित कर पाएगी, क्या डॉक्टर कुणाल का सच जानने के बाद अभी करेगा उसे माफ़, क्या होगा शो में ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।